सो हे गाइस, कैसे हम सब आए हो? बच्चे होंगे, अच्छे ही रहें। तो गाइस, आगे जब इस वीडियो को देखते रहिए और हम आपसे बात करने वाले हैं टॉप 5 एंड्रॉयड गेम्स, वो भी 1 GB के अंदर, और जनवरी 2021 के टॉप 5 अमेजिंग गेम्स जो आप एंड्रॉयड में इजीली खेल सकते हो। तो गाइस, मैं ज़्यादा बकलोली ना फैलते हुए सिंपली से करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ अक्षत और आप देख रहे हैं फ्रेश टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, जो हमारा सबसे पहले नंबर का गेम आता है वो है इनजस्टिस 2। तो गाइज, इसमें आपको सारे ENDE सुपरहीरोज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन और भी बहुत सारे सुपरहीरोज देखने को मिल जाएंगे, और इनकी सारी स्पेशल एबिलिटीज़ भी आपको इसमें खेलने को मिल जाएगी। ये गेम अराउंड से अराउंड 1 to 1.5 GB तक आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। हो सका तो मैं इसकी वीडियो में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो गाइज, बहुत अमेजिंग सा गेम है और मेरे को खेलने में एब्सोल्युटली बहुत मज़ा आया। बाकी फाइटिंग में तो बहुत अमेजिंग अभी शेडो फाइट चल रहा है, पर उसके अलावा हटके आप ये भी ट्राई कर सकते हो। बहुत अमेजिंग से स्टोरी लाइनअप है और बहुत मज़े आते हैं गेम खेलने में। तो गाइज, ये इस गेम में हम बढ़ते हैं हमारे। तो गाइज, जो सेकंड नंबर पे आने वाला गेम है वो है उन लोगों के लिए जिन्हें हॉरर गेम्स खेलना बहुत पसंद है। तो गाइज, इस गेम की स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से होती है कि दो लोग टैक्सी में जा रहे होते हैं और इन पे जोम्बीज अटैक कर देते हैं। तो फिर एक को तो जोम्बी अपने बस में कर लेते हैं और दूसरा फायरिंग करने लग जाता है, जो मतलब आपका कैरेक्टर इस गेम में रहता है। तो वहीं से फिर इस गेम की टाइम लाइन, स्टोरी लाइन बढ़ती है। इसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और आप अपने हिसाब से, ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी, आप अपने हिसाब से टाइम स्टोरी लाइनअप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने साइबर पंक में देखा होगा, अगर आपने खेला हो तो उसमें आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से आपके आगे की स्टोरी अपने आप चलने लगती है। बहुत अमेजिंग सा गेम है। अगर आप रात में हेडफोन लगा के खेलते हो तो भाई मज़ा ला देगा आपको, मतलब PC कंसोल वाला फीलिंग देगा बिल्कुल। और ग्राफिक्स के मामले में बहुत बढ़िया सा गेम है, तो वंस आप इसे जरूर से ट्राई कर सकते हो। ये भी आपको अराउंड 1 GB और 1.5 GB के लगभग मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। तो गाइस, बहुत अमेजिंग सा गेम है, एक बार जरूर ट्राई करना। मैंने तो खेला, मुझे बहुत अमेजिंग लगा और रात में हेडफोन लगा के खेला तो भाई मज़े ही ला दिए यार इसने। तो गाइस, अगला जो गेम है वो भी बहुत ऑसम सा है, मतलब बहुत फनी सा है। उसका नाम है जेल ब्रेकर स्नीक आउट। इसकी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, ये गेम मतलब टाइम पास करने के लिए खूब मज़ेदार गेम है, और गेम ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 MB का गेम है और बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा मुझे तो जो वो जो चोर पेट हिलाता है ना गाइस, जब लेवल पार होते हैं, जब आता है गाइस, मज़ा ला देता है गेम, मतलब फुल टोन टाइम पास। हैशटैग टाइम पास लगा दो नीचे डिस्क्रिप्शन में, फुल टाइम पास गेम है गाइस, 20 MB में मज़े ला देता है आपको। इसमें भी कोई से दो ऑप्शन से चूज़ करने पड़ते हैं, मतलब जो चीज़ आपको बताता है उन दोनों में से चूज़ करने पड़ते हैं, और जब लेवल पार होती है ये अपना पेट हिलाता है। आपको देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है उसमें, कि जैसे लेवल पार होती है वैसे ये कुछ एक ऑप्शन चूज़ कर लेना पड़ता है अपन को। भाई सारा पानी पी गया भाई, खूब है यार गेम प्ले, मतलब गेम मज़े ला देता है गाइज यार। आप वंस इसे ट्राई कर सकते हो, सिर्फ 20 MB का गेम है, प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जरूर से जरूर एक बार ट्राई कर लेना। तो फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। गाइस, जो हमारा अगले नंबर पे गेम आता है उसका नाम है GTA San Andreas। गाइस, ये गेम पूरी तरीके से ओपन वर्ल्ड रहने वाला है और गाइस, इस गेम को खेलने में बहुत 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 मज़ा आता है और गेम बहुत अमेजिंग है। और एंड्रॉइड का अभी तक का ओपन वर्ल्ड का सबसे अमेजिंग गेम है, इससे अच्छा गेम अभी तक कोई से इसकी टक्कर में आया ही नहीं है, और शायद आगे आए पर अभी नहीं आया है। मतलब गेम आप जितना खेलो ना उससे ज़्यादा ही अमेजिंग है, आपको पूरी PC वाली, मतलब जैसा PC में चलता है वही वाली फीलिंग, वही वाले मिशन, सब कुछ वही आपको एंड्रॉइड में देखने को मिल जाता है। और कितने MB में, 1.5 GB में, ओनली यार 1.5 GB में पूरा गेम देखने को मिल जाता है। बहुत अमेजिंग सा गेम प्ले और गेम है, मेरे को खेलने में बहुत मज़ा आया। वैसे तो ये गेम आपको ₹250 का प्ले स्टोर पे से मिलता है, पर मैंने वीडियो बनाई थी, ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप जाओ और वीडियो देखो। तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप GTA San Andreas को अपने फ़ोन में फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो उस वीडियो को आपको देख के डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप पैसे दे सकते हो तो प्ले स्टोर पर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि गेम बहुत अमेजिंग है। तो आप वन से भी खेलना, बाकी वो पहले वाले गेम मत खेलना, पर इसे ज़रूर खेलना और बहुत मज़ा आने वाला है गेम में। पर ये जो स्क्रीन पर गेम प्ले चल रहा है ये हाई ग्राफिक्स वाला गेम प्ले है, इसके जैसा गेम बिल्कुल नहीं होने वाला है, इससे थोड़े लो ग्राफिक्स में गेम
गेम आएगा, पर आएगा कैसा, जैसे पीसी में गेम ग्राफिक्स पे चलता है वैसे भी। अगर ये वाला जो गेम प्ले आपको दिख रहा है अपने डेस्कटॉप पे, अगर वैसा गेम प्ले देखना है तो इस वीडियो को 200 लाइक एम तक पहुँचाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें ये वाले जी के लिए सिलेंडर एस चाहिए इस ग्राफिक्स में, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। तो बस के आज की वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।